नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के मंदिरी में जल्द हवाई उड़ान की उम्मीद पर एक बार फिर विराम लगता दिख रहा है। आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कलेक्ट्रेट सभागार में एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्त्रियों की नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए सांसद ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री के कहने पर देश की सभी एयरलाइंस कंपनियों से बातचीत उन्होंने की, लेकिन कोई कंपनी यहां पर आने को तैयार नहीं है। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि जब तक आजमगढ़ दुबई मुंबई बेंगलोर जैसे शहरों के लिए फ्लाइट नहीं शुरू होगी तब तक यहां से कार्य करना संभव नहीं है। आजमगढ़ में हवाई पट्टी को विस्तार करना जरूरी है। आजमगढ़ के लोगों को समझना चाहिए कि जब तक बुनियादी सुविधाएं नहीं रहेंगी कोई कंपनी नहीं आएगी। सांसद ने यह भी कहा कि हवाई पट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए विस्तारीकरण जरूरी है। यहां पर 10 महिलाओं और 10 किसानों को खड़ा कर इसका विरोध कराया जा रहा है, जबकि इन लोगों को समझना चाहिए कि सरकार इनको 4 गुना दाम दे रही है। जिनकी जमीन अधिग्रहण में नहीं जाती वह परेशान रहता है और यहाँ पर किसानों को गुमराह कर कुछ राजनीतिक पार्टी जमीन नहीं देने दे रहे हैं। किसानों से अपील भी की जिले के विकास के लिए आगे आए और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने दें, विरोध की राजनीति करने वालों के चंगुल से बाहर निकले और बहकावे में न आए। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। कि सरकार चाहती है कि वहाँ बने, मैं उस विभाग में जाके मीटिंग करके आया तो उनका भी इच्छा उनकी है, क्योंकि ये बहुत पोटेंशियल वाला ज़िला है। अगर यहाँ हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनता है तो यहाँ से विदेशों के लिए भी फ्लाइट चलेंगी, दुबई के लिए चलेंगी, गल्फ कंट्री के लिए चलेंगी, मुंबई के लिए चलेंगी, दिल्ली के लिए चलेंगी। इतना क्षमता है आजमगढ़। लेकिन जो यहाँ पे स्थानीय पार्टियाँ हैं वो व्यवधान डाल रही हैं, जबकि आप देखिए कि 4 गुना जब मुआवजा किसी को मिलता है, किसी किसान को मिलता है, तो उसके पड़ोसी का अगर ज़मीन उसमें ना गया हो तो वो दुख जाहिर करता है, यार हमारो चल गलो तो हमहू पागल होती, हमारो पास बहुत पैसा आ जाता, हमहू कुछ कर लेती। ऐसा भाव है लोगों के अंदर। लेकिन ये जो गंदी राजनीति कर रहे हैं आजमगढ़ के बाकी जो दल के लोग हैं कि 10 महिलाओं को, 10 किसानों को वहाँ बैठा करके उनको गुमराह करके और उनके बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, उनको धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं, तो बात जब ऐसी आती है कि कोई किसान अगर तकलीफ में है तो फिर हमको वहाँ रुकना पड़ता है। और हमने पूजनी महाराज जी से निवेदन कर दिया कि इसको रोक दीजिए महाराज जी, जहाँ का तहाँ रहने दीजिए, हम किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं। और जब उनको हम समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि भाई हम आपके भले के लिए कर रहे हैं, आपका नुकसान करने नहीं आए, जब तरक्की होगी, जब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा तो आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा, आजमगढ़ का भविष्य सुधरेगा, लोगों को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो यहीं से जहाँ जाना चाहे वहाँ के लिए फ्लाइट पकड़ेंगे। तो कब तक हो जाएगा? अब देखिए, जो पहले का बना हुआ है उस पर तो कोई फ्लाइट उड़ाने को तैयार नहीं है। हमने सारे एयरलाइंस से बात करके देख लिया, उनका कहना है कि जब तक वो हवाई पट्टी पूरी तरह जो प्रस्तावित है वो बन नहीं जाएगी, हम वहाँ से फ्लाइट नहीं उड़ाएंगे। मतलब घरेलू उड़ान के लिए? घरेलू उड़ान कोई तैयार नहीं है। हमने सबसे बात की और आप लोगों के कहने पे ही बात की। आप लोग कई बार हमसे पूछे कि यहाँ कब शुरू होगी, पूजनी महाराज जी ने भी कहा कि आप बात कर लो तो फिर हम आके वो उद्घाटन करते हैं। तो हमने सभी एयरलाइंस में जाके बात किया, कोई तैयार नहीं है घरेलू उड़ान के लिए, उसमें उनको नुकसान होगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बनता है तो यहाँ से कोई उड़ान नहीं चलेगी। तो इसके लिए मैं निवेदन करता हूँ अपने आजमगढ़ के लोगों से कि आप लोग योगदान दीजिए और आप लोग जो है इसमें मदद कीजिए, किसान भाइयों को समझाइए। और किसान भाइयों को मैं खुद कहना चाहता हूँ कि सरकार आपको 4 गुना दाम देने को तैयार है, आपके लिए कॉलोनी बना करके अच्छे रहने की घर की व्यवस्था करने को तैयार है, उसके बाद भी अगर आप इन भ्रष्ट लोगों के चक्कर में पड़ के अपना भविष्य खराब कर रहे हैं तो ये बहुत दुख का विषय है। आकांक्षा।
यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।